कागजी मामला को। आम आदमी पार्टी हिमाचल के चुनाव प्रभारी सत्येंद्र जैन गिरफ्तारी के बाद राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गौरव शर्मा ने केंद्र सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने के आरोप लगाए हैं। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का बढ़ता प्रभाव देखकर बीजेपी बौखलाहट में है, इसी वजह से सरकार बदलने की भावना से सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। सरकार उन्हें पुराने और झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी ने आशंका जाहिर की है कि इसी तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पर भी झूठे मुकदमे कर गिरफ्तार करने का काम किया जाएगा। ये लेके आते हैं, सारे लोग उस कंसेप्ट को जानना चाहते हैं। केवल मात्र सत्येंद्र जैन जी हिमाचल प्रदेश के अंदर राजनीति में अलग जगा रहे थे, वो लोगों को ये बता रहे थे कि जो शिक्षा का मामला है वो कैसे होगा, आपके बच्चों के साथ ठगी हो रही है, शिक्षा का स्तर यहाँ पे गुणवत्ता ठीक नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य का बुरा हाल है, और जिस प्रकार का स्नेह हिमाचल प्रदेश की जनता हम आम आदमी पार्टी को दे रही थी, और आम आदमी पार्टी पहली पसंद हिमाचल प्रदेश जनवासियों की बन रही थी, एजुकेशन पा रहा है। अब ये सारी जो बातें हैं ये राजनीति से प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग अपनी एजेंसियों का कर रही है और आम आदमी पार्टी उससे डरने वाली नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो आम आदमी पार्टी का गिराफ है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, उससे ये बौखलाए हुए हैं और उससे बौखलाने के आहट में ये सारी चीजें कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी जिसकी भर्त्सना करती है, कड़ी आलोचना करती है। लेकिन हम इसके लिए जो है निरंतर प्रयासरत रहेंगे और लोगों को, भारत के लोगों को जगाएंगे। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये काला अध्याय हिंदुस्तान के जो है डेमोक्रेटिक सेटअप पे लिखा जाएगा और इस चीजें की चीजें नहीं होनी। एंस्टा न्यूज़ के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। आप मुझे बताइए।